शीशे के सामने खड़े होकर उसने उसका नाम 3 बार लिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, और फिर ब्लडी मैरी। इस नाम को तो आपने पहले भी सुना होगा, पर क्या आप जानते हो कि ब्लडी मैरी की कहानियां सिर्फ कहानियां है या फिर सच्ची घटना? ब्लडी मैरी बिल्कुल असली है। जी हाँ, बिल्कुल असली, और इतिहास इसका सबूत है। इतिहास में इसकी पूरी जानकारी मौजूद है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टुडोर थी। एक समय सच में मैरी नाम की एक लड़की थी जिसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी दे दिया गया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो भी सुनते हैं वो बिल्कुल सच है, और हजारों नहीं लाखों लोगों ने इसे देखा है। तो आखिर ब्लडी मैरी है क्या? ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात में डेविल्स आवर यानी शैतानी घड़ी, जो कि है सुबह के 2:33 से लेकर 3:33, इस समय के बीच में आप इसे देख सकते हो। एक मोमबत्ती लेकर किसी रूम के बड़े शीशे के पास चले जाओ आप। रूम में कोई भी लाइट बल्ब या कोई भी लाइट का और कोई स्रोत हो तो उसे बंद कर दो। जलती हुई सिर्फ मोमबत्ती होनी चाहिए। उसके बाद शीशे से थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। शीशे के तरफ चलते हुए 3 बार नाम लो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 4 सेकंड बाद शीशे के तरफ देखना, आपको अपने ही चेहरे के ऊपर एक चेहरा दिखेगा जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, और चेहरे पे एक नफरत होती है। जो मैंने आपको बताया वो एक फेमस तरीका है ब्लडी मैरी से संपर्क करने का। इसे जिन लोगों ने किया है उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को अनुभव किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने कहा कि एक बार वो रात को 2:40 पे अपने घर के शीशे के पास खड़े होकर 3 बार उसने नाम लिया। उसके बाद उसने शीशे पे एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसे ब्लडी मैरी का चेहरा दिखा। कुछ सेकंड्स तक वो चेहरा शांत था, पर कुछ देर बाद उसने उस मिरर से निकलकर उस इंसान की आंखों को नोच लिया। ये लोग तो तब भी लकी थे क्योंकि इन्होंने तो बस अपनी आंखों को खोया था, पर कई लोगों ने तो इसकी नाम पुकारने के बाद अपनी जान को भी खो दिया। जो जिंदा बचे उन लोगों का ये कहना है कि इन्हें सपने में वो ब्लडी मैरी दिखती है। ऐसा भी माना गया है कि अगर आपने ब्लडी मैरी 3 बार बोलने के बाद ये कहा आई स्टोल योर बेबी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया, और इस बच्चे के पीछे की कहानी सुन के आप दंग रह जाओगे। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के जमाने में राजाओं के एक से ज्यादा वाइफ्स हुआ करती थी, और किंग हेनरी के भी बहुत सारे वाइफ्स थी। मैरी उनकी पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिताजी ने कभी स्वीकारा नहीं था, और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। नौकरों के होने के बावजूद भी मैरी महल के सारे कामकाज करती थी। उसके पिताजी हेनरी इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली इंसान थे, और वो मैरी के लाइफ को जैसे चाहे वैसी कर सकते थे। इसलिए मैरी ने कभी उल्टा जवाब ना देके जो उसके पिताजी ने कहा उसने वो किया। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई। जब मैरी बड़ी हुई तो प्रजा को संभालने का जिम्मा मैरी पे आ गया, और मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। 37 साल बाद जाके मैरी ने जिंदगी में आजादी को पहली बार महसूस किया। रानी बनने के बाद अब वो जो चाहे वो कर सकती थी, पर बदकिस्मती से
उस समय इंग्लैंड की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। पूरा इंग्लैंड एक धर्म के बदले दो धर्मों में बट गया था, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। धर्म को लेकर इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी और मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म, पर इस बात को कई लोगों ने नकार दिया था। प्रोटेस्टेंट्स प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे और कैथोलिक्स कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उन्हें मारने की सजा दे दी। जो लोग एक धर्म को मानने से नकारते थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसलिए मैरी को लोग नापसंद करना शुरू कर दिए और मैरी को लोग एक विलन के रूप में देखने लगे। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्नान करते समय पानी के बदले खून से नहाया करती थी। उसका ये मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी भी हुई और वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी क्योंकि अगला राजा या रानी उसी के बच्चे को चुना जाना था। कुछ महीनों बाद मैरी की गर्भवती होने की खबर आई। तब मैरी भी बहुत खुश हुई। पूरा इंग्लैंड खुश था क्योंकि मैरी का बच्चा अब जन्म लेने वाला था। पर उसी समय एक बहुत अजीब सी चीज है, कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। ये तो एक बहुत ही अजीब सी चीज थी, ऐसा पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मैरी की हालत कुछ महीनों तक ऐसी ही रही, पर कुछ महीने बाद जाके उसका पेट नॉर्मल हो गया। उस समय के झाड़ फूक करने वालों ने बताया कि इतने महीने तक उसके पेट में और कुछ नहीं बल्कि एक भूत निवास करता था। मैरी की छवि लोगों के मन में और भी खराब हो गई। कुछ दिन बाद एक बार फिर से उस चुड़ैल ने उसके पेट में निवास करना शुरू कर दिया। फिर से वो गर्भवती हुई, पर कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी की छवि पहले से ही ठीक नहीं थी और उसके चाल चलन के चलते लोग उसे निर्दयी मानते थे, क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला डालती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वो घोष्ट चुड़ैल उसके पेट में गई और कोई बच्चा नहीं हुआ, तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम पड़ा ब्लडी मैरी। उसके मरने के बाद वो राजगद्दी उसकी बहन एलिजाबेथ को मिल गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मैरी इंग्लैंड की सबसे बदकिस्मत रानियों में से एक थी। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलोगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, उसके पीछे की कहानी आपको पता चल गई है। मैरी एक बच्चे को चाहती थी और उसकी वो चाह मरने के बाद भी अधूरी रही, और वो चाह इतनी शक्तिशाली है कि उसकी आत्मा आज भी मौजूद है। और अगर शीशे के सामने आप बोलोगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो शायद ही आपकी जान बचे। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप 3 बार ब्लडी मैरी बोल के उसे देख सकते हो, पर भूल कर भी आई स्टोल योर बेबी मत बोलना। क्या आप रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच के समय में शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि अगली बार जैसे मैं नए वीडियोस डालूं वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।